फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 13 सितंबर 2019 की सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिन भर की चार बड़ी खबरें लेके आया हूँ। आपको सारे के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आप तक हमारे वीडियो का कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, इसलिए आप घंटी के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको एक एक करके चार न्यूज़ दिखाई जाती हैं। पहली न्यूज़ जो आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आ रही है। ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जो आपके पेंशनर्स CGHS पेंशनर्स हैं, जो बेनिफिशरीज हैं जिनकी एज 75 ईयर से ऊपर हो चुकी है, अब वे अपना एनुअल हेल्थ चेकअप जो है जितने भी CGHS के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें जाके करा सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में एनुअल हेल्थ चेकअप एट हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड अंडर CGHS इन रिस्पेक्ट ऑफ CGHS पेंशनर्स बेनिफिशरीज प्राइमरी कार्ड होल्डर्स एजेड 75 ईयर्स एंड अबव रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर आप 75 ईयर्स से ऊपर हैं और CGHS के पेंशनर्स हैं, CGHS के बेनिफिशरीज हैं, तो आप किसी भी CGHS हॉस्पिटल में जो इम्पैनल्ड है उसमें जाके आप अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पीजी एंड ग्रेवेंसेस की तरफ से DOPT की तरफ से जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है। अब एक बहुत बड़ी खबर आई है कि आपको अब अगर आप कैजुअल वर्कर हैं तो आपको इक्वल वर्क के बदले इक्वल पे मिलेगा। यानी कि आप अगर कैजुअल वर्क हैं किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में तो आपको अब जो है जो आपको वहाँ परमानेंट एम्प्लॉई की जितनी सैलरी होती है उतनी ही सैलरी अब आपको पे करेगी गवर्नमेंट। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आप इसको देख सकते हैं। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। तीसरी जो आ रही है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है, रेलवे बोर्ड की तरफ से आ रही है। आपका जो न्यू पेंशन सिस्टम होता है अगर वो डिलेड और नॉन डिलेड होता है तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑफ बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर होता है उसमें कुछ जो है चीज़ें इंट्रोडक्शन की गई हैं। आप देख सकते हैं एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 144 में मॉडिफिकेशन या इंट्रोडक्शन किया गया है कुछ नई चीज़ों का। उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप देख सकते हैं बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन डिलेड नॉन डिपॉजिट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम NPS कंट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड नॉन डिपॉजिट ऑफ NPS कंट्रीब्यूशन इन बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेलवे फिनांस कोड वॉल्यूम सेकंड इन क्लोज्ड फॉर नेसेसरी एक्शन। तो आप देख सकते हैं जो भी आपकी करेक्शन स्लिप है वो आप जो भी है वहाँ से निकाल सकते हैं, प्रेस भी सर्कुलेटर सूटेबली। चलिए आपको लास्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। लास्ट न्यूज़ जो आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पर्सनल डिवीजन से आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के जो PS जो है प्रमोट करके जाते हैं, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम LDCE के थ्रू जाते हैं, अब उनका जो सिलेबस है प्रमोशन के थ्रू जाने वाला उसमें रिवाइज किया गया है। उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप देख सकते हैं रिवीजन ऑफ सिलेबस फॉर प्रमोशन टू PS ग्रुप बी कैडर। आई एम डायरेक्टेड टू सेट दैट द सिलेबस फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन LDCE फॉर प्रमोशन टू पोस्टल सर्विस ग्रुप बी कैडर हैज़ बीन रिवाइज्ड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड द सेम इज इंक्लूड हेयर बिद। तो आप देख सकते हैं जो उनका सिलेबस है, आप कहेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप पूरा देख सकते हैं क्या है जो ग्रुप बी के प्रमोशन में जाने पर आपको जो PS ग्रुप है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। तो वीडियो अच्छा लगा पे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।